नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। JSSC इंटर लेवल वैकेंसी 2024, यहाँ पे JSSC की तरफ से यहाँ वैकेंसी निकाला गया है इंटर लेवल के लिए। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताएंगे। यह है इसका नोटिफिकेशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ये फॉर्म जो है रिवाइज किया गया है, फिर से निकाला गया है ये फॉर्म को। तो इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो इसके लिए जो परीक्षा शुल्क लिया जाएगा आपसे वो 100 रुपया रखा गया है, और यहाँ पे परीक्षा शुल्क में छूट भी मिलेगा। अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको परीक्षा शुल्क जो है 50 रुपये लिया जाएगा। ये फॉर्म जो है आपका 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 10 अगस्त तक रहेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ से आप रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं। पद का नाम जो है निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक सह लेखपाल लिपिक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निकाला गया है, और यहाँ कैटेगरी वाइज में वैकेंसीज को बांटा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इसके लिए 96 रखा गया है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 39, अनुसूचित जनजाति के लिए 25, अनुसूचित जाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7, पिछड़ा वर्ग के लिए 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9 रखा गया है, और 96 में से 5 वैकेंसी जो है महिला लोगों के लिए है। स्टीनोग्राफर निजी सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए अप्लाई करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसके लिए यहाँ पर 27 रखा गया है, अनारक्षित के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अनुसूचित जाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 रखा गया है। श्रम नियोजन परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग निदेशालय नियोजन एवं परीक्षण नियोजन पक्ष अंतर्गत निर्माण वर्ग लिपिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 77 रखा गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय अंतर्गत के लिए जो है 43 वैकेंसी है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के लिए टोटल वैकेंसी 22 है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के लिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 38 रखा गया है। तो वो आप एक एक करके यहाँ से देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा वैकेंसीज रखा गया है, 863 वैकेंसीज है टोटल। रिक्तियों का विवरण यहाँ पे जो है आपका ये बैकलॉग के लिए रखा गया है। ऊपर जो मैंने बताया वो रेगुलर, ये बैकलॉग के लिए है। बैकलॉग के लिए एक वैकेंसीज है, टोटल 864 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप वेतन भी देख सकते हैं। वेतन आपको मिलेगा स्टीनोग्राफर निजी सहायक के लिए जो है पे मैट्रिक्स लेवल 4 का आपको पेमेंट मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100 तक। निम्न वर्गीय लिपिक पे मैट्रिक्स लेवल 2 का आपको पेमेंट मिलेगा 19,900 से लेके 63,200 तक। कौशल परीक्षण आपका लिया जाएगा, अशुलेखन होगा जिसमें कि आपको अभ्यर्थी को हिंदी अशुलेखन 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट का गति होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थी के लिए जो हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट का गति होना चाहिए। हिंदी टंकन परीक्षा में हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति, 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा आपको। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ बताया गया, अभ्यर्थी से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 आपको यहाँ पे मांगा गया है। आयु सीमा जो है यहाँ बताया गया, न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम जो है आपका 18 साल होना चाहिए, और यहाँ पे जो है एज में आपको छूट भी मिलेगा। अनारक्षित एवं कमजोर वर्ग के हैं तो यहाँ पे 35 साल तक के लोग अप्लाई कर पाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो यहाँ पे 37 साल रखा गया, महिला लोगों के लिए 38 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए 40 साल रखा गया। मुख्य परीक्षा आपका यहाँ पे लिया जाएगा। पत्र एक में आपका भाषा ज्ञान से पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 घंटा का आपको समय मिलेगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% अंक लाना यहाँ जरूरी है। पत्र टू में आपका यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी उर्दू संथाली बंगाली मुंडारी से आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 घंटा का आपको समय मिलेगा, 30% अंक लाना जरूरी है। पत्र तीन यहाँ पे होगा जिसमें कि आपको सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा का समय मिलेगा। सामान्य अध्ययन से आपका 30 प्रश्न रहेगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपका 40, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित 50 प्रश्न रहेगा।
30% अंक लाना यहाँ पे ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो जल्द से जल्द जाके ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।